हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो, हाल ही में हमने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व किए थे। अभी आज भी हम उसी टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो पेपर 2022 से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड नहीं है, ये क्वेश्चन है देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ऑर्गेनिज्म में, इस पॉइंट पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन इट। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब शुरू में सबसे ज़्यादा वाला रहेगा और एंड में सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें रहेंगे वो ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है, डिसेंडिंग। तो इसमें ह्यूमन, क्रैब, पोटैटो, मेज, ये चार ऑर्गेनिज्म को शफल करके चार ऑप्शंस बना के दिए हुए हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल ये चार्ट हमारी बुक में दिया हुआ है। ये चार्ट मैंने लिया हुआ है 9th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से। तो इसमें क्लियरली हमें दिया है ऑर्गेनिज्म और उसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर देखो, क्रैब में सबसे ज़्यादा है 200, उसके बाद पोटैटो में है 48, फिर ह्यूमन का नंबर आता है 46, फिर फ्रॉग 26, मेज है 20 और राउंड वर्म है 4, ठीक है। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर अगर इनको अरेंज करें तो ये आएगी क्रैब, पोटैटो, ह्यूमन, फ्रॉग, मेज, राउंड वर्म, राइट। अब क्वेश्चन में तो सारे नहीं पूछे हमें, क्वेश्चन में सिर्फ क्रैब, पोटैटो, ह्यूमन और मेज पूछा हुआ है। तो यही सीक्वेंस आएगा, क्रैब, पोटैटो, ह्यूमन एंड मेज। तो क्रैब, पोटैटो, ह्यूमन एंड मेज ऑप्शन बी में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल होते हैं मगर आपको पता होना भी ज़रूरी है। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे आपके क्वेरीज सॉल्व करने में और भी खुशी होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।